फिजिक्स हमें क्लास एट। अब क्लास एट में क्या दिया हुआ है अपने को, तो अपन पहले इससे पहले पढ़ चुके थे अक्षीय स्थिति, अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति, मतलब ब्रॉड साइड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, ये बिंदु हो जाएगा हमारा जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो द्विध्रुवी अक्ष के लंब वर्धक, द्विध्रुव ये द्विध्रुव हो गया, इसके लंब वर्धक मतलब निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, तो इस बिंदु पर द्विध्रुव के सापेक्ष निरस्थित निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन कहते हैं। तब इसमें मान लो ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, ठीक है, जो आवेशों से मिलकर बना है। इनके द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, एक एल ए, तो इसको 2L नहीं बोल सकते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक की। और के परावैद्युतांक है, के माध्यम रखा हुआ है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये प्लस यहाँ जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा, कहेगी प्लस पहले लेते हैं ना जी, तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए कूलम्स लॉ की फार्मूला हो जाएगा, तो अब तब अपना E1 आ जाएगा 1/4πE₀, और परावैद्युतांक के Q₁/Q₂ AP² हो जाएगी। अब अपने को A निकालनी है, तब क्या करेंगे, एक दिशा में है, AP की दिशा में हो जाएगी, ठीक है। और बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πE₀ के Q₁ Q₂ नहीं हो जाएगी जी, और ये BP हो जाएगी, BP² ठीक है, और ये किसकी दिशा में हो जाएगी, BP की दिशा में हो जाएगी। तब चूंकि AP और BP क्या है, सेम ही तो हैं, ठीक है, अतः ए और E1 और E2 की परिणामी क्या हो जाएगी, बराबर होगी, अर्थात E1 और E2 की परिणामी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तथा सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से, अतः सदिश सो के योग के समांतर भुज के नियम से, सदिश के समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या हो जाता है, E इक्वल क्या हो जाएगी, 2E₁ cos 2θ/2 हो जाएगी, तब यहाँ 2θ से 2 कट जाएगी, तो 2E₁ cos θ हो जाएगी, ठीक है, E₁ E₂ के बीच अर्धावर्धक कोण हो जाएगा, तब इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगी जी अपनी, अब अपने को पता है एक चीज, जिसमें मान रख देते हैं E₁ की 2 पर आ जाएगा, तो 4πE₀k हो जाएगी Q₁ Q₂, अब E₁ की वैल्यू AP² हो जाएगी, और यहाँ cos θ, तो AP की इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, AP अगर एक कर्ण है तो लम और आधार की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लम अपना ये हो जाएगा,
लम आर स्क्वायर हो जाएगा, लम आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार एल स्क्वायर हो जाएगा, तब इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा, तब यहाँ पे रख देंगे ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल क्या जानते हैं अपन, लाल बटा कक्का जानते हैं ना, तो कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा हो जाएगी अपनी, ए हो जाएगी, और कर्ण कौन सा हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√r² + l² हो जाएगी। तब इसमें समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में मान रखने पर तो E इक्वल क्या आ जाएगी, 2 4 E0 k q1 q2 r² + l² 1/r² + l² ठीक है। तो इसको और आगे लिखेंगे तो 2, अब आवेशों को क्या q नहीं लिख सकते जी, तो एक q हो l हो जाएगी, और एक 4 π E0 k, और यहाँ पे देखेंगे r² + l² और यहाँ को ऐसे करके r² + l² की हो 1/2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है ही है हमारे पास, एक स्क्वायर में था ना वैल्यू जी हमारा, तो यहाँ पे 2 + 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। एक बटा दो हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ देंगे 1/2 तो क्या हो जाएगी, ये क्या है, एक है ठीक है, एक है अपने पास 1/2, तो 2 2 3 3/2 आ जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगी जी, 2। तो इसके इक्वल क्या जानते हैं अपन, पहले तो ये समझ लेते हैं, इक्वल पी जानते हैं, तो इसमें पी रख देते हैं ठीक है। तो 4 π E0 k ये हो जाएगा r² + l² और अपान में हो जाएगा r² + l² 1/2। अब देखो 1/2 और इसका 1, तो 2 3/2 हो जाएगी, तो पी 4 π E0 k 1/r² l² / 3/2 हो जाएगी। अब अपने को पता है इससे ग्रेटर देन क्या होती है, आर की वैल्यू होती, तो ए वैल्यू 0 हो जाएगी, एल इक्वल 0, तो अपने को पता है पी 4 π E0 k और ए r² × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब क्या आ जाएगा जी, ई इक्वल अपने पास पी 4 π E0 आ जाएगा, और एक के हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ से 2 से 2 काट दिए थे अपन, तो एक क्यूब नहीं हो जाएगा जी, तो यही अपना क्या आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति स्थिति आ गया ठीक है।